हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एशपी मिश्रा टेक। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी 23 को खेले जाने वाला पीएसएल 2021-2022 का क्वालिफायर मैच का प्रिडिक्शन। तो दोस्तों, ये जो मैच होगा ये होगा मुल्तान सुल्तान्स एंड लाहौर कैलेंडर्स के बीच में। तो इसमें से कौन सा टीम का जीतने का चांसेस कितना परसेंट है, वो भी हमारा पर्सनल प्रिडिक्शन के हिसाब से आज हम आपको बताने वाले हैं। तो भाई, वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए, छोटा सा भी स्किप करोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ऐसे ही आपको अगर फ्री में क्रिकेट का प्रेडिक्शन देखना है, और बहुत जल्द तो यहाँ पर आईपीएल का प्रेडिक्शन भी आने वाला है, तो अभी ही हमारे इस चैनल एशपी मिश्रा टेक को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोनों टीम का प्लेइंग 11 का बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मुल्तान सुल्तान्स का। तो यहाँ पर आपको शायन मशहूद, मोहम्मद रिजवान, रिले रोशो, खुशदिल शाह, टीम डेविड, अमेर अजमत, डेविड विली, अशिफ अफरीदी, रुमान रईस, इमरान ताहिर, शहनवाज धानी जैसे प्लेयर देखने को मिलेंगे। तो मुल्तान सुल्तान बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है दोस्तों। अभी बात करेंगे सेकंड टीम जो कि है लाहौर कैलेंडर्स। तो यहाँ पर आपका फकर जमन, फिलिप शॉल्ट, कमरन गुलाम, मोहम्मद हफीज, हैरी ब्रुक, शोहेल अख्तर, डेविड वाइस, और आपको देखने को मिलेंगे शहीन अफरीदी, फवाद अहमद, हैरी श्रॉफ और जमन खान जैसे प्लेयर। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। बात करेंगे दोनों टीम का रिकॉर्ड यानी हेड टू हेड। तो ये दोनों टीम के बीच में टोटल 11 मैचेस खेला गया है, जिसमें से मुल्तान सुल्तान्स ने 5 मैचेस जीता है, लाहौर कैलेंडर्स ने 6 मैचेस जीता है। तो लाहौर कैलेंडर्स एक मैचेस ज्यादा जीता है दोस्तों, अगर कंपेयर करेंगे मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट में। दोस्तों, अगर आपको इस मैच का फिक्स रिपोर्ट चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, इस नंबर को आप सेव करिए, व्हाट्सएप पर जाकर उन्हें मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा इस मैच का फिक्स रिपोर्ट। और हाँ, अगर आप चाहे तो इनका टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर फर्स्ट लिंक उनका टेलीग्राम का चैनल मैं दे दिया हूं, तो जाके जरूर चेकआउट कर देना। बात करेंगे दोस्तों यहां पर पिच रिपोर्ट क्या कहता है। तो ये मैच खेला जा रहा है गदाफी स्टेडियम में, जो कि लाहौर का होम ग्राउंड है। अभी बात करेंगे यहां पर टोटल 27 मैचेस खेला गया है, और फर्स्ट बैटिंग करने वाला टीम 15 मैचेस जीता है, और सेकंड बैटिंग करने वाला टीम 12 मैचेस जीता है। कोई मैचेस टाई नहीं रहा है। फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर 174 है। हाई स्कोर यहां पर बनाया है दोस्तों मुल्तान सुल्तान्स ने, जो कि है 245। लो स्कोर यहां पर बनाया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, जो कि है 90 रन। स्कोरिंग पैटर्न का बात करेंगे तो बिलो 156 टाइम्स, 150 से 169 4 टाइम्स, 170 से 189 9 टाइम्स, 190 प्लस 8 टाइम्स बना है। तो यहां पर बहुत बड़े स्कोर भी आसानी से बन जाता है दोस्तों। अभी बात करेंगे दोस्तों इसी ग्राउंड पर हेड टू हेड। तो इसी ग्राउंड पर दोनों ही टीम के बीच में सिर्फ 3 मैचेस ही खेला गया है, इसमें से लाहौर ने 2 मैचेस जीता है और मुल्तान ने 1 मैचेस जीता है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर लाहौर कैलेंडर्स थोड़ा सा हैवी तो दिख रहा है, अगर चाहे टोटल हेड टू हेड में हो या फिर इसी ग्राउंड पर भी, क्योंकि ये लाहौर का होम ग्राउंड है, तो इसका एडवांटेज भी बहुत अच्छे से लिया है लाहौर कैलेंडर्स ने। बात करेंगे दोस्तों इसी सीजन यानी ये जो पीएसएल का भी चल रहा है ये मैच, तो यहां पर ये दोनों ही टीम के बीच में टोटल ऑलरेडी 2 मैचेस खेला जा चुका है, उसमें से लाहौर ने एक बार जीता है तो मुल्तान ने भी एक बार जीता है। तो ये मैच काफी ज्यादा कंटेस्ट होने वाला है दोस्तों। तो देखिए, सब कुछ हम बता ही चुके हैं, अभी बारी हमारा पर्सनल प्रिडिक्शन का। तो दोस्तों, दोनों ही टीम एक बराबर ही है यहाँ पर, ऐसा कोई नहीं कि कोई बहुत ही बढ़िया टीम है और कोई बहुत ही ज्यादा घटिया टीम है, क्योंकि दोनों ही टीम अभी क्वालिफायर मैच खेल रहे हैं। जो भी टीम जीतेगा उसे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा दोस्तों। तो दोनों ही टीम कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके ये मैच को जीते। और आपको क्या लग रहा है कौन सा टीम जीतेगा, आप हमें कमेंट करके तो जरूर बता देना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, हम आपके लिए ऐसे ही फ्री में क्रिकेट का प्रेडिक्शन हर रोज लाते रहेंगे। अभी बात करता हूं मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन क्या कहता है। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग इस मैच का विनर मुल्तान सुल्तान्स हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, होम ग्राउंड है लाहौर का, रिकॉर्ड भी जा रहा है लाहौर के साथ, और सिचुएशन भी अगर बात करेंगे तो दोनों ही टीम बराबर है अभी इस बार। और लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच का विनर मुल्तान सुल्तान्स हो सकता है। क्या लगता है आपको, आप हमें जरूर बताना, और आपको क्यों लग रहा है ये भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके। तो पूरे वीडियो वॉच किया इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।